चलो बताओ। ओके कैन आई प्लीज रीड 14 नंबर क्वेश्चन। In what way is the electronic configuration of the transition elements differ from that of non-transition elements? ओके तो ये बोलना चाहते हैं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से कैसे डिफर करती है। तो बात ये बनती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोलते हैं जिसमें ये वाला पॉइंट n-1d1-10 हो, ठीक है। हम अदरवाइज हमें क्या कहते हैं, SPDF सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है, SP की लिख देनी है, S की होती है NS12, P की होती है NS2, NP126, where ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो होता है D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है। आगे पूरी बात सुन में, या 1 to 10 होता है। और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें D ऑर्बिटल जो होती है वो या तो फुल फिल होती है या तो फिर खाली होती है। यस सर, नो? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। What are the characteristics of the transition elements and why are they called transition elements? Which of the D block elements may not be regarded as transition elements? हमें पक्की बात पता है ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोलते हैं या तो एटम या फिर उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। ओके तो उनके फिर क्या दिखाना है हमें, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको पता ही है कौन, जिंक, CD है एंड HG। HG ना, जिंक, CD, हाँ ये तीनों तीन जो है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। बताओ क्यों नहीं बोलते, बताओ? Because उनके ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना तो स्टेबल स्टेट में डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाँ मींस मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्शियली फिल्ड नहीं है, या तो फुल फिल्ड है या तो एम्प्टी है। यहाँ पे देखो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, उनकी यही सब प्रॉपर्टी की वजह से। हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी ना सभी की सभी, आप देखो कैटालिटिकल, कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, आयोनेशन एंथैल्पी, पैरामीटर। कॉम्प्लेक्स वाला बाकी है क्योंकि हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बाकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ रखी है। मैं बोल सकता हूँ थियोरेटिकल है। 16 What are the different oxidation states exhibited by the lanthanides? +2, +3, +4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +4। Next one. What are interstitial compounds? Why are such compounds well known for transition metals? अब लिख दो आगे थियरी लिख दो, कौन सी इंटरस्टिशियल कंपाउंड वाली, मोस्ट टाइम भी लिखो, 17 नंबर मोस्ट टाइम भी लिखो बच्चों। देखो एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, मुझे तो लग रहा है एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके चलो नेक्स्ट वन। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। बात ये होती है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना एस और पी वाले, उनमें फिक्स होते हैं। यहाँ पे डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स जम लगा सकते हैं, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। और वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होती है और डी ऑर्बिटल में अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके यस और नो? चलो yes, आगे। sir. Describe the preparation of potassium dichromate from iron chromite ore. What is the effect of increasing pH on the solution of potassium dichromate? अगर क्रोमेट है pH बढ़ाओगे, pH अगर बढ़ाओगे तो डायक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और pH कम करोगे तो क्रोमेट डायक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आई ये बात, ये वाला पॉइंट।
देखो ये कौन है, अच्छे से देखो ये कौन है अभी यहां पे, क्रोमेट। अगर एसिडिक हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायक्रोमेट में। ये डायक्रोमेट है, बेसिक कर रहे हो, पीएच बढ़ा रहे हो, तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो बोलो क्या है। फॉर एम प्लस टू एम एंड एम प्लस थ्री एम प्लस टू सिस्टम्स ऑफ ई जीरो वैल्यूज फॉर सम मेटल्स आर एज फॉलोज। यूज दिस डेटा टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एफ ई प्लस थ्री इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सी आर प्लस थ्री और एम एन प्लस थ्री एंड द ईज विथ ईच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कम्पेयर टू द सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैंगनीज मेटल। ओके, एक बात बताऊं, आपको सब डेटा दिया, आपको सिर्फ बताना है कि है क्या है। पहला ये, द स्टेबिलिटी ऑफ एफ ई प्लस थ्री इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सी आर प्लस थ्री और एम एन प्लस थ्री। तब आपको क्या करना है, आपको सबकी वैल्यू निकालनी है। एफ ई प्लस थ्री में से एफ ई प्लस टू बनने की टेंडेंसी कितनी होती है बताओ, प्लस पॉइंट एट है ना। यस और नो? यस एम एन प्लस थ्री की टेंडेंसी कितनी होती है, फटाफट से एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है, वो 1.5 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एम एन प्लस थ्री से तो एफ ई प्लस थ्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एम एन प्लस थ्री फटाफट से एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। देखो आप 1.5 है तो हर कोई ज्यादा स्टेबल होगा, अच्छे से 1.5 है तो एफ ई प्लस थ्री भी एफ ई प्लस टू में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो कितनी टेंडेंसी से कन्वर्ट हो रहा है, 0.8। और यहाँ पे सी आर प्लस थ्री सी आर प्लस टू में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो होता है आपका एफ ई प्लस थ्री, वो किससे ज्यादा अच्छा स्टेबल रहेगा, एम एन प्लस थ्री से। बच्चों पोटेंशियल को देख के आंसर देना है, बिना सोचे आंसर नहीं देना, क्वेश्चन में सब दिया है, रट्टा मारने वाला है ही नहीं। अब देखो एफ ई प्लस थ्री जो है उसकी टेंडेंसी 0.8 है, किस में कन्वर्ट होने की बताओ, प्लस टू में। एम एन प्लस थ्री जो है उसकी एम एन प्लस टू में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कितनी होती है, 1.5 तो कौन इजीली एम ए प्लस थ्री छोड़ के प्लस टू में चला आता है, एमएन तो ज्यादा है। तो बोलो, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हुआ। यहाँ पे मुझे पता चला एफ एफटी ए प्लस थ्री प्लस थ्री इज मोर स्टेबल देन एम एन प्लस थ्री। आगे बात समझ में आया ना। चलो अब क्रोमियम को कहां पे रखते हैं, देखो अब आप देखो क्रोमियम प्लस थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल। भाई, पढ़ाने तो दे मुझे। अब यहां पे देखो सी आर प्लस थ्री है ये, और उसमें से प्लस टू में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी -0.4 है। इसका मतलब सी आर प्लस टू सी आर प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा, ये नहीं होगा। सी आर प्लस थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो लिख लो अपनी ये सीक्वेंस। लेकिन आपको ये समझ के लिखना है ना बच्चों, ऐसे तो नहीं लिखोगे आप बिना समझे। समझ आ रही है बात सबको? हेलो अक्षर, अक्षर यस सर। समझ में आ रही है बात, ये क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, हम इस डेटा का यूज कैसे करना है। थोड़ी थोड़ी बात ये रेडॉक्स पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, ठीक है फिर से समझाता हूँ, रुक सुन। क्वेश्चन ये है, इन्होंने ऐसी वैल्यू दे रखी है, फिर ये वैल्यू क्या है वो चीज पता होनी चाहिए बच्चे पहले। ये वैल्यू ये होती है कि प्लस थ्री में से प्लस टू कन्वर्ट होने की टेंडेंसी -0.4। माइनस का मतलब वो नहीं होता है, प्लस थ्री में से प्लस टू फटाफट हो जाता है, और प्लस थ्री में से प्लस टू, देखिए ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो मतलब कहने का तरीका ये है कि जो ज्यादा फटाफट से कन्वर्ट हो रहा है वो कम स्टेबल है, क्योंकि तो अगर तू स्टेबल होता तो थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। तू कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब तू ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझ, तीन बिजनेस है, एक डायमंड का है,
एक टेक्सटाइल का है और एक हम बनाए तो एक डायमंड का, एक टेक्सटाइल का है और एक एक एम्ब्रॉयडरी, एक एम्ब्रॉयडरी रख लो, टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी होता है, ठीक है। अब मैं टेक्सटाइल में काम कर रहा हूँ, मैं डायमंड में फटाफट से स्विच हो रहा हूँ इस टाइम पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप स्टेबल नहीं हो, यहाँ पे कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती होगी डायमंड में, समझ रहे हैं बात? और मैं ये सोच तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी की मशीन तो रख ही नहीं रहा हूँ, इसका मतलब क्या? उसमें जमता ही नहीं है अपुन को, अपुन को तो टेक्सटाइल ही बढ़िया लगा एम्ब्रॉयडरी से, तो यहाँ पे ऐसा ही है, Mn plus 3 फटाफट से Mn plus 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब Mn plus 3 less जो है वो स्टेबल है, फिर Fe plus 3 जो है वो Fe plus 2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी Mn plus 3 से थोड़ी कम है। चलो दो फ्रेंड डायमंड में तो जा ही रहे, एक फटाफट से गया और एक सोच सोच के गया, तो आप बताओ, तो ये जो सोच सोच के गया वो ज्यादा स्टेबल होता होगा, इसीलिए तो उसे ज्यादा सोचना पड़ा, इसलिए तो तुरंत जंप लगा दिया, ऐसे। अब समझ में आई बात तुझे? यस सर। ऐसे अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। द इज विथ विच आयन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम टू मैंगनीज मेटल। यहां पे हमें ये बात करनी है कि हम किसको इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होना मतलब Fe को Fe plus 2 में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू कितनी है आप देख के बताओ। सर Fe plus 2 में से Fe है ना वो माइनस 0.4 है, तो Fe से Fe plus 2 प्लस 0.4 हो जाएगा, समझे बात? वन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन, यहां पे देखो Mn से Mn plus 2 कितना होता होगा बताओ, ऑक्सीडेशन के लिए कितने जल्दी ऑक्सीडेशन होता है, प्लस 1.2, और Cr से Cr plus 2 बताओ कितनी इजी होता है ये, 0.9 प्लस 0.9, सबसे अच्छा और फटाफट कौन ऑक्सीडाइज होगा बताओ, ये 1.2 है, सबसे फटाफट कौन अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा जल्दी से बताओ, तीनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है? Mn, तो वो फटाफट से ऑक्सीडाइज होता होगा, फिर कौन आएगा बताओ, क्रोमियम, फिर कौन आएगा, Fe, तो ये बात दूसरे के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए, समझे बात? कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहला है ऑक्सीडेशन में होता क्या है, Fe Fe plus 2 में कन्वर्ट होता है, तो उसकी टेंडेंसी कितनी, तो मैं यहां गया तो यहां तो Fe plus 2 Fe में कन्वर्ट होने की माइनस 0.4 है, तो Fe से Fe plus 2 plus 0.4 होता है। आगे भी पूरी बात समझ में आपको आया ना? यस सर। चलो और बताओ नेक्स्ट, कहां पे आए बताओ, 21। Compare the stability of plus 2 oxidation state for the elements of the first transition series. आपको पता ही है plus 2 जो है, आप क्या होता है plus 2 की टेंडेंसी Sc से Mn तक क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, लास्ट में कम होती जाती है। चलो पढ़ते हैं एक बार। The most common oxidation state of the element in the first transition series is plus 2. प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है, फॉरेस्ट टू में से निकल जाए इसलिए, हाँ है ना? ये प्लस टू क्यों होता होगा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो इलेक्ट्रॉन कहां से चले जाएंगे, फॉरेस्ट में से Sc टू Mn, द टेंडेंसी टू शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन द डिक्रीजेस विद द डी स्टार्ट पेयरिंग, इन शॉर्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो वो टेंडेंसी कम होती जाती है, लेकिन हमारा फोकस तो प्लस टू पे है, प्लस टू क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि आप कहीं पे भी लिखोगे तो आर्गन कोई भी हो, अब ऐसे लिखोगे ना 4s2 फिर 3d आएगा, आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाने वाले हैं, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां से, 4s में से, आ रही अभी बात समझ में है भाई अक्षर शेट्टा, समझ में आ रही है बातें?
यस सर दर्शन किधर है दर्शन दर्शन चलो नेक्स्ट वन चलो बढ़ो कहना What is meant by disproportionation? Give two examples of disproportionation reaction in aqueous solution. That already we have learned about it. शायद आपको पता हो Cu plus 1 है Cu 0 में होता है means Cu plus 1 है तो disproportionation होता है कम होता है Cu में और बढ़ता है Cu plus 2 में Yes or no? चलो yes, MnO4 minus 2 है तो MnO4 minus 2 disproportionation होता है ये कब देखा था पता है preparation of KMnO4 उसमें second point था disproportionation of manganate ion will form permanganate याद आया Mn में होता है plus 4 यहाँ पे होता है plus 7 और ये होता है plus 6 तो इसी में increment हो रहा है oxidation state और यहीं पे oxidation state decrease हो रहा है अरे बुरी बात सुनो बच्चों आपको यस और नो यस सर तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दैट्स व्हाट चलो और क्या कौन सा है अभी 20 मोस्ट टाइम भी लिखना आगे डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला मोस्ट टाइम भी लिखना चलो 23 हाँ बच्चों हाँ पढ़ो तो एक बार कहना calculate the number of unpaired electrons in the following gaseous ions Mn plus 3 Cl plus 3 V plus 3 and Di plus 3 which of these is the most stable in aqueous solution एक चीज याद रखना इन सभी में अब आपको कैसे करना है suppose Mn plus 2 है Cl plus 3 है तो आप कैसे करोगे बताओ Mn plus 3 Mn means 25 और तीन गए समझे बात 3d क्या रहता है 4 तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड Ti plus 3 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कर पाओगे ये अब समझ रहे हो बात यस सर अब सुनो ये वाला पॉइंट है ना वो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में सिखाने वाला हूँ ये वाला पॉइंट अभी आप रखो ये मैं आप अभी हमें ये नहीं पता ये पॉइंट जो लिखा है ना वो मुझे पता है आपको नहीं पता है लेकिन हम ये कब पढ़ने वाले हैं नाइन में अभी याद रखो मोस्ट स्टेबल कौन है Cr plus 3 ओके चलो नेक्स्ट 24 में थियरी बोलूंगा इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम ब्रोमाइड आयन एंड KMnO4 फ्रॉम पाइरोल्यूसाइड आयन वो थियरी है चलो 25 Name the members of the lanthanide series which exhibit plus 4 oxidation state and those which exhibit plus 2 oxidation states. Try to correlate this type of behavior with electronic configuration of these elements. आप देख रहे हो C plus 4 में plus 4 oxidation state, U में plus 2 होता है और YB में plus 2 होता है. C plus 4 जो है वो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो प्लस 3 में कन्वर्ट होगा और EU प्लस 2 और YB प्लस 2 है वो अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन होता है सो वी हैव लर्न इट आई थिंक सो नेक्स्ट कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी देखो भाई एक्टिनॉइड की बात है दैट ऑफ लैंथेनॉइड के रेफरेंस में पढ़ना है ठीक है तो करना क्या एग्जाम्पल हम देखते हैं ये क्या दे रखा है इन्होंने ये तो गलत हुआ क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है क्वेश्चन है एक्टिनॉइड एंड विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स तो इसमें ये एसिटी वाला नहीं आएगा ये गलत है आप समझ सकते हो बाद में क्या बोलना चाह रहा हूँ हेलो
हमें तो कौन चाहिए? एस ई ब्लॉक है। हाँ, ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है और इन्होंने क्या दे दिया है, पूरा डी ब्लॉक एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये गलत बात होगी। यहाँ पे हम लोग लेंथेनॉल वाला चार्ट था, आपको पता हो तो, कार्बन के साथ कार्बाइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्साइड, ये सब बना रहे थे, याद है? यस सर। और ये हमें नहीं करना है भाई, ये गलत है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेंथेनॉइड का तो मैक्सिमम 4 तक ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल +3 होता है, +2 +3 +4 देखने को मिलते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में कितने का मिलते हैं, 6-7 तक जाते हैं, याद आया? यस सर। वहां +6 तक जाते हैं एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड से +4 तक ही जाते हैं। और केमिकली रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट हमारा वो था, एक चार्ट था आपको पता हो तो, लेंथेनॉइड वाला चार्ट, एक सेकंड रुको। देखो ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई बात समझ में? ये चार्ट, ये लेंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके? विथ एसिड H2 लिबरेशन, याद है? कोई एक है डी ब्लॉक में, कोई एक ऐसा है जो एसिड के साथ H2 क्रिएट नहीं करता है, कौन है वो? हाँ, याद रखने बात। चलो नेक्स्ट सर, इसमें एक और चीज है जो टेक्स्ट बुक में इसमें नहीं है, पीडीएफ में एटॉमिक एंड आयोनिक साइज भी कंपेयर करनी है। एटॉमिक और आयनिक साइज कंपेयर करनी है, तो एक्टिनॉइड जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं कंपेयर टू लेंथेनॉइड, क्योंकि 5F जो है, 5F जो है वो वीक शील्डिंग इफेक्ट देता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट बढ़ती है। और हाँ, पीरियड में जाएगी तो साइज धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कम होती है, तब तू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन समझा सकती है, जब तू पीरियड में मूव करिए तब। ग्रुप में यही बोलना पड़ेगा कि एक्टिनॉइड इज बिगर देन लेंथेनॉइड, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट बोलो। 27। हाँ बोलो। Write the electronic configuration of the elements with atomic numbers 61, 91, 101 and 109. Homework करना है, समझने वाली बात नहीं है, ठीक है? याद रखने वाली बात है आपके लिए। Next, लेकिन अगर पूछेंगे ना, आप सुनो, अगर किसी को पूछना है ना, तब फिर वो यहीं से पूछेंगे। Suppose as a मैं teacher हूँ, मैं paper निकालने बैठूंगा, तब मैं अगर पूछने की try करूँ, तब मैं क्या करूँगा बताओ? Exactly. Okay, next one. पढ़ो एक बार। क्या ना? Comment on the statement that elements of the first transition series possess many properties different from those of heavier transition elements. Okay. अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एक अच्छे से बात बताऊँ, तो जो first transition element है, वहां पे 3D आएगा, समझ रहे हो? 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P। अब जैसे हैवियर पे जा रहे हैं, तो बीच में कौन एंटर कर रहा है, तो बीच में कौन एंटर हो रहा है बताओ आप? कौन सी ऑर्बिटल एंटर हो रही है, पूरे का पूरा कौन सा ब्लॉक आ रहा है बताओ? F ब्लॉक। तो जो लोअर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो 3D और 4D में, सपोज 3D की बात करें, तो वहां पे आगे कोई F ऑर्बिटल भरी पड़ी नहीं हुई है, जबकि हम लोग कहां पे जा रहे हैं बताओ? जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, 5D और 6D में जाएंगे, तब क्या होता होगा? 4F एंड 5F है, समझ रहे हो बात? आया ना? यस सर। तो ये 4F है और ये 5F है, ओके? हो गई ये बात समझ में? आ गई बात? तो इसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है, ओके? इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी बताओ?
चेंज होती है. ओके थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है. अब थोड़ा पढ़ के समझा देता हूं. देखो देखो एलिमेंट इन अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर अ मोर स्टेबल इन अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्टेबल इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है आगे फॉरएफ आ गई इसकी वजह से. एलिमेंट इन 5D सीरीज हैव अ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज देन 3D एंड 4D. ऐसा क्यों होता है आपको पता होना चाहिए कि 5D में से इलेक्ट्रॉन को निकालना 4D से भी मुश्किल होता होगा. बता सकते हो क्यों? साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है. इक्वल साइज में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है. आप समझ रहे हो बात? साइज उतनी ही है और बीच में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ड्यू टू लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन. तब अभी यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है. The 3D series elements do not form a complex with a coordination number 7 and 8. यहाँ पे maximum 6 तक जाते हैं. अगर जिसके पास 3D और series होती है ना वो complex बनाते हैं तब उसके oxidation number, coordination number कितने जाते हैं? 6 तक जाते हैं. 7 और 8 तक नहीं जाते हैं. जबकि 5D में 7 और 8 तक जाते हैं. और अगर आपका lower transition element है 3D तो उसमें spin complex में थोड़े कम रहती है strength. जबकि heavier transition elements always form a low spin complex 6. उनकी spin कैसी रहती है? कम. Of a strength of ligands while 3D. ये वाला point है वो बाद में आएगा 9th chapter में. अभी ये clear नहीं होगा आपका. अब इतना समझो सिर्फ. Energy ज़्यादा देनी पड़ती है. Coordination number 6 ही होता है 3D का. 5D और 6D का 7 और 8 तक जा सकते हैं. Okay? और 3D है तो lower oxidation state stable होते हैं. जबकि 5D 6D में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं. इतना याद रखो आप. अदरवाइज इट्स ओके. समझ में आए उतना ही याद रखना. ये वाला इंपॉर्टेंट है. 29 इंपॉर्टेंट है. टिक करना IMP. ये हो गया हमारा. देख सकते हो आप. सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट. हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? देखो सिल्वर में Ag+ और Ag+2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है. Ag+ में भी खैर 4D 10 ही है. लेकिन जो Ag+2 है वहां पे 4D कैसा होता है? 9. तो ये हो गई पार्शियल फील्ड. यस सर. तो उसके वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? क्यूल ट्रांजिशन एलिमेंट है. ओके तो ये लोग मोस्ट टाइम भी टिक करो. 29 पूछ सकते हैं. चलो 30 पे आओ. 30 पे In the series SC and SC to ZN, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest, that is 126 kilojoule per mole. Why? Okay, अब मैं आपको बात बताता हूँ. यहाँ पे समझो. Atomization enthalpy क्या होता है? Exactly क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताऊँ. Suppose यहाँ पे chromium है या फिर manganese ले लो. Manganese तो नहीं, manganese तो उसमें आएगा. आयन वाला Fe. तो Fe में से दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो या तीन इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होते हैं. तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. अब Fe के बाद क्या आएगा वो बताओ. Fe के बाद क्या आएगा वो बताओ. जिंक. तो जिंक में क्या होता है कि Zn+2 ही हो सकता है. उसके बाद तो 3D10 होती है. 3D10 होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे 3D10 होती है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आएंगे बाहर तो इसका जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीक होगा. और मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होगा तो मैं जिंक को यहाँ से तुरंत निकाल सकता हूँ. आप मेरी बात समझ सकते हो बच्चों? यस और नो? यस सर. दैट्स व्हाट. ओके सर एक डाउट है. हाँ बोलो बच्चे. सर वो Ag+ वाला जो था Ag+2 ट्रांजिशन एलिमेंट सर वो जो Ag+1 हो जाता है तब वो 3D 10 में होगा ना? हाँ
तो बाद में प्लस टू कैसे जाएगा, वो स्टेबल नहीं है। देख अगर सुन, Cu प्लस वन है और Cu प्लस टू, ये बात हमारी यहाँ पे हुई थी। Cu प्लस वन में 3d 10 है, फिर भी ये 3d 9 पे जाता है, तो हर बार हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं ले सकते, कई बार हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमें ध्यान में लेनी पड़ती है। हेलो, Cu प्लस टू इज अ मोर स्टेबल, दो इट हैज अ 3d 9। तो ये एक्वियस स्टेट की बात हो रही है कि वहां पे ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu प्लस टू की साइज कम होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो Cu प्लस टू की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझे तुम बात? यस सर। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की यही तो एक खासियत है, यही तो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता Cu प्लस वन इज नॉट स्टेबल, बट आई कैन से इन एक्वियस मीडियम Cu प्लस टू इज लाइक मोर स्टेबल, दैट्स व्हाट है ना। ओके सर, इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट बताओ। रिजॉइन कर ले। हाँ यस 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 यस, लेट्स रिजॉइन।